अब अचानक से बहुत तेज बारिश लगना शुरू हो गया है। और यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था है ना, तो उससे दिक्कत नहीं हो रही है। तो लेकिन फिर भी देखो कितनी मोटी बारिश, तो यहाँ ऐसे ही है, किसी समय भी बारिश आ सकती है। अब यहाँ बारिश आ रही है, यहाँ से ठीक सामने देखिए, यहाँ पे धूप लगी है। तो ये है डुंगरी गांव, तैतोली डुंगरी, तो यहाँ पे धूप लगी है और यहाँ ऐसी बारिश आ रही है। चलो जी, एक नए दिन की शुरुआत महादेव कुशदेव महादेव के मंदिर से। और आज हम, ये रहा हमारा कुशदेव महादेव का मंदिर। अध्यक्ष हैं श्री सत्येंद्र मेहरा जी, भाई भाई देखिए कुशदेव थान सेवा समिति के, बाकी जो स्वयं सेवक है ना वो लगे हैं भाई सुबह से ही। अर्जुननाथ जी 3 दिन से लगे हैं यहाँ पे, और हमारे प्रदीप भाई। तो सावन मास के पहले सोमवार से पहले कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, ये सारे भक्त लोग 3 दिन से लगे हैं यहाँ पे काम करने पे। अब ये पूरा क्लीन होना चाहिए, इसके अलावा अन्य काम भी दिखाऊंगा मैं कितने काम करने पड़ते हैं, क्योंकि कल से यहाँ पे सारे भक्त आना शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले सब काम कंप्लीट होना चाहिए, तो 3 दिन इन लोगों को ये सफाई करना और यहाँ के जितने भी बर्तन वगैरह वो साफ करना, चूना पेंट करना, ये सब काम करने पे लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी व्यवस्था नहीं रहती है। तो इसलिए खुद ही जो स्वयं सेवक हैं या मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं वो लोग स्वयं ही ये काम करते हैं। और इसके अलावा जो भक्त हैं वो लगातार लगे हैं 3 दिन से, रात दिन लगे हैं भाई काम पे, सुबह उठते ही उनका ये काम शुरू हो जाता है। जो कि मंदिर के पुजारी हैं यहाँ पे, वो मंदिर की सफाई और उसके अलावा यहाँ पे पूरी सफाई करेंगे। अब ये है हमारा प्राकृतिक लिंग कुशदेव महादेव का, और ये लिंग का कोई पता नहीं है कि कहाँ तक है कुशदेव महादेव का ये मंदिर। और ऐसा लिंग एक केदारनाथ बाबा के धाम में है और दूसरा यहाँ कुशदेव महादेव में, तो इस लिंग का भी कोई पता नहीं है कितनी गहराई तक है। और कई वर्षों से पुजारी जी यहाँ पे इसी तरीके से सेवा दे रहे हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर वाल्मीकि ऋषि की तपस्थली है, और यहीं पे सीता माता ने अपने 2 बच्चों को लव और कुश को जन्म दिया था। और यहाँ पे लव कुश का मंदिर भी है, और इस मंदिर का नाम भी लव कुश महादेव मंदिर है। और यहीं पे नीचे में सीता कुंडी का एक बहुत बड़ा झरना भी है, और वहाँ पे एक सीता कुंडी भी है। तो सीता कुंडी का नाम वहाँ पे कहा जाता है कि प्रसव काल में माता सीता उसी कुंडी में स्नान करती थी, तो इसलिए वहाँ का नाम सीता कुंडी पड़ा। जो थोड़ी दूरी पे ऊपर में वहाँ पे है लव कुश का मंदिर, जो कि थोड़ा युवा स्थान होने के बाद उन्होंने वहाँ पे अपना जो रहने का था वो बना दिया था, इसलिए वहाँ पे भी छोटा सा एक लव कुश का मंदिर है। बहुत बिहार जंगल में होने के कारण यहाँ पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, तो जो कार्य करते हैं वो यहाँ भी सफाई करते हैं ऊपर भी और नीचे भी। कई भक्त आज भी आएंगे और सब लोग इस काम में तन मन से जुट जाएंगे। और ये सारी चीजें आपस में मिलती हैं, क्योंकि वहां से थोड़ी दूरी पे रामचाड़ा नामक एक स्थान भी है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान राम ने लव कुश से मुलाकात की थी, तो इसलिए वहां पे रामचाड़ा वहाँ का नाम पड़ा। और वहाँ पे अभी भी देवियाँ हैं या वन के जितने भी देवी हैं उनके द्वारा कई बार बाजा भंकोरा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर, और ये नव निर्माण हुआ था, तो ये शायद हाल ही में बना, क्यों राव जी? हाँ, ये अगले साल पूरा हुआ। हाँ, और ये महाराष्ट्र से जैन जी ने, बड़े भक्त है ना। हाँ, जैन जी ने हाँ पूरे इसमें 7 लाख रुपए खर्च किए। 7 लाख में ये मंदिर बना, तैयार किया इसको। तो मतलब 2 महीने पहले एक भंडारा दिया। अच्छा, 2 महीने पहले फिर भंडारा किया दिया उनने राम हनुमान जयंती को। हनुमान जयंती को बोला जितना खर्चा आता है सारा मैं
वो करूंगा, आप वहाँ भंडारा करो। कम से कम मतलब 51 आदमी का भंडारा चला यहाँ पे। 51 आदमी का? तो इतने दूरस्थ क्षेत्र में 7 लाख में मंदिर बनना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि भाई यहाँ पे ना सामान लाने के लिए ही कम से कम 4-5 लाख से ऊपर का ही कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि घोड़े खच्चरों में करीबन 6 किलोमीटर की दूरी, 6-7 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आजकल घोड़े खच्चरों का भाड़ा आप लोगों को पता ही है कि कितना होता है। बाकी अभी सभी लोग काम पे लगे हैं और मैं इनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। बाकी मंदिर में जो भक्तों के द्वारा है ना, ये सारे सोलर प्लांट लगाए गए हैं, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, बिस्तर वगैरह। अब ये बर्तन जो है ना, ये सारे ऐसे ही पड़े हैं अभी, तो इनको भी अभी एक जगह संभालना है। बाकी मैं चलता हूँ किचन में, मेरी ड्यूटी है किचन में। तो भाई हमारे भगवती भाई जो कि इस मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष भी हैं, लगे हैं अभी किचन में, यहाँ पे बना रहे हैं अभी इन लोगों के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए परांठे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो आलू के परांठे बनेंगे इनके लिए। तो निहाल जी लगे हैं भाई पर लकड़ी फाड़ने पे, यहाँ पे लकड़ी की व्यवस्था भी जरूरी है। ये है कुलदेव महादेव की रसोई भाई, अब यहाँ पे अभी तैयारी कर चुके हैं सब लड़के, सफाई सफुई और लिपाई घसाई भी हो चुकी है यहाँ पे। तो ये है रसोई जो कि यहाँ पे भंडारा बनेगा। हम लोग जा रहे हैं अभी सीता कुंडी का रास्ता साफ कर रहे हैं, सारे हमारे जो भक्त हैं वो अभी इस रास्ते को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि भक्त सीता कुंडी भी जरूर जाते हैं। जब बहुत दिनों से इस रास्ते पे नहीं जाओ तो ये झाड़ियाँ हो जाती हैं, तो उसकी सफाई हो रही है अभी बिल्कुल। देखो भाई ये है, इसको बोल देते हैं हम कुहेड़ी, इससे ना पहले इस पे हाथ लगाते ही धुआं आता था, ये फट गया अब तो इसलिए इसे ऐसे धुआं आता था, तो कुहेड़ी बोलते थे इसको। तो चलो जी पहुंच गए हम कुछ गंगा में, और यहाँ का नाम है सीता कुंडी, और सामने रही जो कुश गंगा नाम से जो नदी जो गदेरा आता है इसको कहते हैं कुश गंगा, और बाकी जो हमारे स्वयं सेवक है ना तो लगे हैं रास्ता साफ करने पे। मैं इस रास्ते में आओ तो आप जोंक भी आपको मिलेंगे, जोंक भी चिपक जाते हैं, थोड़ा सा खतरनाक रास्ता तो जरूर है यहाँ से आगे, पर कई वक्त जो विकास के लिए कुशदेव की विकास के लिए दान दे रहे हैं, यहाँ से जरूर एक ना एक दिन ये रास्ता भी बन जाएगा, अभी तो ऐसे ही जंगल का रास्ता है। बाकी यहाँ पे स्वयं सेवकों को हर साल सफाई करनी पड़ती है यहाँ आने के लिए, क्योंकि जो लोग आते हैं ना उनको थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। रही भाई कुछ गंगा की एक झरना है, तो कल की बारिश से इसमें पानी बहुत बढ़ गया है, और झरना देखिए कितना खूबसूरत है। अब इसी के ठीक नीचे ये है सीता कुंडी, और सामने जो स्थान है ना इस पे है कई देवी देवताओं की प्रतिमा है इस स्थान पे, सब प्राकृतिक रूप से है इस पे, जो जितने भी चट्टान पे जितनी भी मूर्तियां है ना वो सब प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, इस पे उभरी हुई है, इसलिए यहाँ विशेष आस्था है लोगों की। चट्टान पे जाना देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए वो रास्ता यहाँ से जाएगा, बाकी आपको अगर सीता कुंडी में स्नान करना है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर आप लव कुश महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं तो आप यहाँ भी जरूर आइए, ये पवित्र स्थल है और बहुत ही माना जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माता सीता ने प्रसव काल में स्नान किया था इस कुंडे में, तो इसलिए यहाँ पे सीता कुंडी के नाम से प्रसिद्ध है। और सामने जो यहाँ पे दिख रहा है, सामने जो चट्टान दिख रही है ना इस पे है देवी देवताओं की प्रतिमा, तो यहाँ जाना थोड़ा सा बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ पे पूरा चट्टान का रास्ता है, ऐसी चट्टान से होकर जाना पड़ेगा आपको, और आनंदावती जा रहे हैं वहाँ पे, और ये सामने जहाँ पे थाली वगैरह रखी है ना यहाँ पे है देवी देवताओं की प्रतिमा, आनंदावती जाएंगे यहाँ से तो वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार से इस चट्टान में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा ऐसे ही उभरी हुई है, अब धीरे धीरे ये प्रतिमाएं उसके कारण के कारण विलुप्त होती जा रही है, यहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ आसन लावती है, काफी खतरनाक रास्ता है और जाना तो पड़ेगा।
फाइनली इस रास्ते से काफी खतरनाक रास्ता है यहाँ से आगरा में, भी भाई भी आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे है भाई वो मूर्तियाँ जो मैं बता रहा था आपको, ये देखिए प्रभु की मूर्ति है और इस पे ना चंदन देखिए स्वयं से लगा हुआ है, तो ये प्रभु की बहुत बड़ी लीला है। यहाँ पे भी देखिए, तो यहाँ पे विष्णु भगवान और सभी देवी देवताओं की तस्वीर अपने आप इस पहाड़ पे उभरी हुई है। यहाँ पे नीचे में बजरंग बली जी हैं, तो सारी मूर्तियाँ उभरी हुई हैं। अरुण आज यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहे हैं कि लोगों के दर्शन हो जाएं अच्छे तरीके से। अब खास बात यह है कि ये अपने आप इस पहाड़ पे ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसीलिए यहाँ के आस्था का प्रतीक आज भी लोगों में बहुत ज़्यादा है आस्था। यहाँ पे गंगा का झरना है ना, वो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है भाई, बिल्कुल खतरनाक का डर लग रहा है यहाँ पे। अब इस पहाड़ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो अर्जुन आज ये साफ कर रहे हैं, पर लेकिन इतनी सफाई का यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जो ये चंदन जैसा है ना, इसी का टीका लगा के लोग यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पे पिठाई वगैरह की जरूरत भी नहीं होती है, ये चंदन का टीका इसी को लगा के जाते हैं, क्योंकि ये है विष्णु भगवान की मूर्ति। और यहाँ पे सब मूर्तियाँ हैं, कई मूर्तियाँ तो यहाँ पे विलुप्त हो गए हैं, तो सफाई करने के लिए बहुत कुछ किए। प्रदीप भाई वहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं उस समय से आने की, पर लेकिन उनको थोड़ा सा वहाँ पर भी डर भी लग रहा है। अब देखो ये स्वयं ये यहाँ पे ये लाल पिठाई है और यहाँ पे पीला चंदन, तो ये सब यहीं पे है, प्राकृतिक रूप से इसी पे से निकलता है। तो आपको यहाँ तिलक जरूर, इसका अगर यहाँ पे पहुँच गए आप, यहाँ पे तिलक जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत खतरनाक रास्ता है। और प्रदीप भाई भी बहुत देर से रुक के फिर आगे, क्योंकि प्रभु की इच्छा है कि आप भी आएँ और यहाँ पे प्रभु के चंदन का टीका करें, क्योंकि ये लोग स्वयं सेवक हैं और इन्होंने लगातार कई दिन से ये मेहनत कर रहे हैं, हर साल यहाँ पे 2-3 महीने इनकी सेवा रहती है। जय भोलेनाथ, जय लाल की मैया की जय। अब यहाँ पे देखिए गंगा के जो बेग से है ना, पूरे पेड़ पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे, बाकी कुछ गंगा ये बह रही है। फाइनली यहाँ पर से बहुत मुश्किल हुई आने में। अब ये वाले स्पॉट पे ना, जैसे ही मैंने वहाँ पे हाथ रखा तो यहाँ पे एक आवाज सी आई, यहाँ पे हम कुछ गंगा से ऊपर की ओर आ गए हैं। वैसे यहाँ से माता का मंदिर भी जा सकते हैं हम, पर थोड़ी देर में जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ से जस्ट दूरी पे ही माता सीता की कुटिया है, जहाँ पे माता सीता रहती थी। अब ये होती है यहाँ के सबसे बड़ी सेवा, ये बर्तन साफ करना, तो सब अभी बर्तन साफ कर रहे हैं यहाँ पे हमारे कोश्यारी जी, तो महाराज जी यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं। तो देखो भाई लगे हैं इतने बड़े बड़े, अभी तो बहुत सारे बर्तन वहाँ भी पड़े हैं, वो भी करने हैं इन्होंने।